आप लोगों को अपना चैनल एसपी ट्यूटोरियल में सबका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, देख पा रहे होंगे मैं क्या को अब ये क्या है, एक टॉपिक का नाम है जो कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है। आप लोग ये जानते होंगे कि ट्रायंगल कोई भी हो, ए बी सी ट्रायंगल का नाम, ये तो नाम मैं दे रखा हूँ, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एस्केलेन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, आप जानते होंगे सिक्स से आप पढ़ रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आज हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि 180 क्यों होता है। बिल्कुल वीडियो को इन तक देखिएगा, कोई भी डाउट आएगा आप मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इन तक देखिए वीडियोस को, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, क्लास 9th का एक थ्योरम है। क्या ये थ्योरम है? ये क्वेश्चन नहीं है, क्या ये थ्योरम है। अब पेपर में थ्योरम भी आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। थ्योरम क्या है, हमने बताया अभी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है, ये मैं प्रूव कर रहा हूं। वो जानते हो कि ट्रायंगल में होता है तीन एंगल, किसी भी ट्रायंगल में होता है, ट्राई मीन्स क्या, यहाँ पे लिखा भी है ट्राई, ट्राई मीन्स क्या, तीन। तो किसी भी ट्रायंगल में होता है तीन एंगल, तो ए बी, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी, आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, के एल एम एन कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स वहाँ पे होगा तीन ही एंगल, ये तीनों एंगल का सम होगा 180। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने ड्रा किया कंस्ट्रक्शन, रचना, बोलते रचना, क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रा किया मैंने डी, कहाँ से, ए से, मैंने इस तरह से ड्रा किया है कि डी क्या हो, इसके पैरेलल होगा। मैंने लाइन लिखा यहाँ पे, मैंने ड्रा ए लाइन डी, मैंने एक लाइन ड्रा डी किया कहाँ से, थ्रू ए, ए से मैंने ड्रा किया और मैंने लिखा सच डैच, मीन्स इसकी इस तरह मैंने ड्रा किया है जो डी जो लाइन है वो बी सी क्या होना चाहिए, पैरेलल, समानांतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इतना काम किया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखता हूँ मैं प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एक दो तीन, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ फोर, यहाँ लिखता हूँ मैं फाइव, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे एक डी एक लाइन है, अगर लाइन है तो आपको पता होगा इस अगर इस लाइन पे अगर ऊपर जो कोई भी लाइन यहाँ पे आकर मीट मीट करती है तो उस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मान लें कोई एक लाइन है, ये लाइन है डी, क्या लाइन है, देख पा रहा हूँ एक लाइन, ये बी वाला पॉइंट एक सी वाला, इसी इसी लाइन पे मीट कर रहा है, कहाँ पे, मीट एट ए पे कर रहा है। तो अगर एक लाइन पे दूसरा लाइन आकर मीट कर रहा है तो उसका जो एंगल का जो सम होता है क्या होता है, 180 होता है, ड्यू टू लीनियर पेयर। देखिए एंगल फोर, एंगल वन, एंगल फाइव, चार एक पाँच का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर, आप लिख सकते हैं ड्यू टू लीनियर पेयर, ठीक है, ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको। ये रहा पहला लाइन, ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। देख पा, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को एंगल फोर इक्वल में एंगल टू, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। मैं लिखा हूँ शॉर्ट में, लिखिएगा पूरा, ये है ड्यू टू लीनियर पेयर, ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखते हैं ये सेम काम यहाँ भी करना, ये फाइव है ये थ्री है, तो एंगल फाइव भी क्या होगा, वो भी थ्री के बराबर होगा, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इसको आप देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड नाम, इक्वेशन थर्ड नाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट उठा के, देखिए इक्वेशन इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, फोर वन फाइव, क्या है ये, 180 के बराबर है। अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया कि एंगल चार है किसके बराबर है, दो के बराबर, तो एंगल चार के जगह हम क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चार के जगह मैंने दो क्यों लिखा, क्योंकि ये दो के बराबर है, प्लस एंगल चार क्या था, दो के और दो लिख दिया मैंने, ऐसे एंगल वन तो कुछ है ही नहीं, एंगल वन लिखते हैं। फिर देखिए एंगल पांच किसके बराबर है, एंगल तीन के बराबर, तो एंगल तीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई डाउट आता तो नहीं है ना। अब देखिए वन टू, इसको आप थोड़ा लिखिए अरेंज करके, एक दो तीन हो गया। एंगल एक, एंगल एक का नाम क्या है, ए है, तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं। एंगल बी की जगह पे क्या, एंगल ए टू है ना, तो टू जगह पे क्या बी है, तो बी लिख सकते हैं आप। ऐसे ही एंगल सी की जगह पे क्या लिखना है, थ्री था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए आप थ्री की जगह पे, ये रहा प्रूफ। अब देखिए बच्चों का बहुत कुछ, सर ये सही नहीं था, ये भी देखिए आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, या अगर आपने यहाँ पे वन टू थ्री लिख दिया मेरे जैसा, तो अगर एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री 180 आपने प्रूफ कर दिया, अरे ये भी तो एंगल ही है,
एबीसी क्या है, बी एंग ए एंगल ये है, ये एंगल ये है, तो मीन्स ये सेम चीज़ है। तो आप अगर आपने ये लिखा है तो इतना करना पड़ेगा। मान लिया अगर मैंने ये काट दूँ, ये लाइन अगर मैं ऊपर का लाइन मैंने नहीं लिखता हूँ, तो मैंने अगर ये लिखा हूँ प्रूफ डेट में, तो यहाँ तक भी काम चलेगा। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझ में आएगा। तो वीडियो बिल्कुल इन तक देखे होंगे आप लोग, तो वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा प्रूव्ड, लिखिएगा प्रूव्ड। मैं आप लोगों ने आज ये जाना कि आपने बहुत पहले जाना होगा कि ट्रायंगल का सम 180 होता है, बट क्यों होता है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्यों होता है, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।